सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के जेवर में हुई लूटपाट की खबर से। लूटपाट, हत्या और गैंगरेप के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा है। पीड़ित परिवार ने जिन लोगों पर आरोप लगाया था उन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा है। बदमाशों ने 24 और 25 मई की रात को जेवर बुलंदशहर हाईवे पर कार सवार एक परिवार को पहले बंधक बनाया। बदमाशों ने महिलाओं से बदसलूकी की और जब रोका गया तो एक शख्स की गोली मार करके, शकील नाम के शख्स की गोली मार करके हत्या कर दी गई। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने महिलाओं से गैंगरेप किया था। तो सिर्फ 3 लोगों से अभी पूछताछ की गई है, गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई है इस मामले में, क्योंकि FIR जो दर्ज कराई गई थी पीड़ित परिवार की ओर से, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन्होंने लूटपाट की है, हैवानियत को अंजाम दिया है। और उसी के बाद अब 3 लोगों को पुलिस ने ट्रेस किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी इस मामले में पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा है। किसी की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस ने इस मामले में नहीं दिखाई है। सवाल तो ये है कि इतना बड़ा मामला हो जाता है हाईवे पर, इतना बड़ा मामला होता है वो हाईवे जो सुरक्षित माना जाता है, जहां पर चप्पे चप्पे पर कहा जाता है कि पेट्रोलिंग होती है, CCTV लगे हुए हैं, कोई गाड़ी अगर बहुत देर तक रुकी होती है तो तुरंत वहां पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है, इस तरह की बातें इस हाईवे के लिए कही जाती है। लेकिन पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है ये देखने को मिल रहा है। किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक पुलिस ने दिखाई नहीं है इस मामले में। 3 लोगों को जरूर पकड़ा गया है पूछताछ के लिए, लेकिन बहुत अहम हो जाता है जिस तरह से पूरा मामला देखने को मिला था। कई तरह के तर्क पुलिस की ओर से दिए गए थे, जिसके बाद सवाल उठ रहे थे कि पुलिस उन बातों को क्यों नहीं मान रही जो पीड़ित परिवार बता रहा है। और अहम सवाल तो यही है कि अभी तक इस मामले में पुलिस किसी को भी गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है, क्योंकि कल ये कहा गया कि 3 टीमें बनाई गई हैं, STF भी इस पूरे वारदात के खुलासे के लिए लगी हुई है, लेकिन अभी भी हम देखें तो पुख्ता तौर पे पुलिस के हाथ कुछ लगता नजर आ नहीं रहा। आखिर इतनी देरी क्यों, सवाल ये भी बहुत अहम हो जाता है। 48 घंटे हो चुके हैं इस पूरे मामले को, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तम प्रदेश बनाने की बात होती है, ये कहा जाता है भय मुक्त माहौल यहाँ पर बनाया जाएगा। CM जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं वो लगातार हिदायत देते हैं, सख्ती की बात करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हालात सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। तो जेवर में गैंगरेप और हत्या के केस में जी हिंदुस्तान बड़ा खुलासा कर रहा है। केस में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि वारदात की खबर मिलने के 2.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे पुलिस वालों को ग्रेटर नोएडा के लोकेशन की भी जानकारी नहीं थी। घटना स्थल से कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद भी पुलिस पीड़ितों को तलाश नहीं पाई। जिस वक्त पुलिस मौके पर पहुंची, बदमाश महिलाओं से दरिंदगी कर रहे थे। पुलिस को अगर एरिया की जानकारी होती तो बदमाश पुलिस के कब्जे में होते। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची बदमाश फरार हो चुके थे, पुलिस वालों के सामने ही बदमाश फरार हुए थे। अब ये देखिए पुलिस की मुस्तैदी कैसे है ये देखने को मिलता है। और अनुराग चड्ढा हमारे साथ है। अनुराग, हम कल से इसी सवाल को उठा रहे हैं कि पुलिस जिस थ्योरी पे काम कर रही है वो क्या है। पहले तो वो गैंगरेप से मना करती है, कोई रिपोर्ट नहीं आई होती है तब तक वो गैंगरेप से मना करती है कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, हो सकता है। अब सवाल तो ये कि बड़े लापरवाही की बात यहां पर कही जा रही है पुलिस की ओर से। 2.5 घंटे बाद वो पहुंचती है, लोकेशन को ट्रेस आउट नहीं कर पाती। अनुराग, पुलिस जिस गाड़ी को इस्तेमाल करती है वो बड़ी हाईटेक होती है, उसमें लोकेशन को ट्रेस करना इतना मुश्किल नहीं होता है, फिर पुलिस क्या कर रही थी? देखिए श्वेता, अगर हम तकनीकी चीज़ों को छोड़ दें तो जो भी एक थाने की व्यवस्था होती है उसमें पुलिस वाले कई तरह से काम करते हैं। जो थाना इंचार्ज होता है उसको अपने एरिया की जो भौगोलिक जानकारी है वो होनी चाहिए। इसके अलावा चौकी इंचार्ज और एक चौकी पर बीट का सिपाही होता है जिसको इलाके के पल पल की लोकेशन के बारे में जानकारी रहती है। लेकिन जब पुलिस के पास ये सूचना पहुंची कि यमुना एक्सप्रेसवे से जो सटा एक टंकी वाला मोहल्ला है उसके बराबर वाली जो सर्विस रोड है वहां पर एक परिवार को बदमाशों ने बंधक बना लिया है, महिलाओं के साथ गैंगरेप वो कर रहे हैं, तो उसके बाद पुलिस 1 घंटे बाद तो चलो मौके पर पहुंच गई, जैसे तैसे पुलिस को वो लोकेशन मिल गई। लेकिन जिस एग्जैक्ट लोकेशन पर पुलिस को पहुंचना था वहां पुलिस पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाई। जो पीड़ित परिवार था उसको पुलिस के सायरन की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी, लेकिन उनका मुंह बंधा हुआ था और पुलिस की गाड़ियों को वो लगातार देख रहे थे, जो सायरन जो फ्लैश लाइट होती है पुलिस को उसको देख रहे थे। लेकिन उनको उम्मीद थी कि पुलिस पहुंच पाएगी, लेकिन पुलिस वहां तक नहीं पहुंची क्योंकि पुलिस को भौगोलिक एरिया की जानकारी नहीं थी। वही अगर हम बदमाशों की बात करें तो बदमाश पूरी तरह से इस इलाके को जानते थे, इस
इलाके में कौन कौन से खुफिया रास्ते हैं सड़क के किनारे जहां से उनको भागना है वो बदमाश जानते थे। और करीब ढाई घंटे बाद जब कुछ पुलिसकर्मियों ने देखा कि खेतों से कुछ लोग भाग रहे हैं तब पुलिस उस लोकेशन तक पहुंची, यानी कि जो पुलिस वालों के सामने जो बदमाश थे वो भागे। पुलिस बेबस खड़ी रही क्योंकि पुलिस के पास ना तो वहां पर गाड़ी थी। अनुराग, ये वही पुलिस है जो उस एरिया के लिए ही तैनात की गई है। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि पुलिस को एरिया के बारे में पता ही नहीं है, पुलिस इस मामले को कैसे फिर इन्वेस्टिगेट करती। जरा एक बात और भी मुझे बताइए, ये जो गैंग है इसके लिए कहा जा रहा है कि गैंग लूटपाट से ज्यादा गैंगरेप की वारदातों को अंजाम देता है, क्या इस दिशा में भी पुलिस काम कर रही है? जी बिल्कुल श्वेता, हम अपने दर्शकों को लगातार ये खबर हम बता रहे थे उस वक्त से जब बुलंदशहर हाईवे जो NH-91 है वहां पर गैंगरेप हुआ था। दरअसल एक ऐसा गैंग है, ये सनकी गैंग है, इसका उद्देश्य लूटपाट नहीं होता बल्कि सीधा सीधा इसका उद्देश्य जो गाड़ी में बैठी महिलाएं होती हैं उनको निशाना बनाना होता है, उनके साथ रेप की वारदातों को अंजाम देना होता है। और इस गैंग का विनाश अभी तक श्वेता इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो पुलिस है उसने। अनुराग, मैं आपसे अपडेट लूंगी, फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त